अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, रॉल्स थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। रॉल्स थ्योरम में क्या किया हूँ, केसीसी ना एक्सरसाइज 14A का 1 से लेके 7 तक मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया था, और इस बीच में नहीं बताया था, कुछ फीवर हो गया था, इसी के चलते हम नहीं बता पा रहे थे, ठीक है ना। फिर आज से हम कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ा दे रहे हैं, और इंट्रीगेशन जो चालू जैसे ही करेंगे तो जूम ऐप पर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे फिर से, ठीक है ना। देखिए 1 से लेके 7 तक हम बता दिए। 8 नंबर क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है fx = x²(-1, 2, 1). दूसरा नंबर क्वेश्चन है fx = x-1² (x-2) और x = 1, 2, 2 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है fx = sin x / e^x x = 0 to π है, ठीक है। पहले 3 गो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर का 8 में 5 तक क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन fx = क्या है बुआ, x² है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, x² है तो क्या हो गया, पॉलीनोमियल फंक्शन, बिकॉज इट्स ए पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब क्या करना है, f' निकाल लेते थे, f' x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। अब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में क्या करते हैं, -1 और 1 के बीच में यहां पर एक लाइन लिख देना है, इन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब f' इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है क्योंकि -1 और 1 के बीच में दे रहे हैं, तो 0 रख दिए तो क्या आ गया, f'x f'0 देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 यदि आ गया तो वो 7 गो फॉर्म में नहीं आया, ∞×∞, ∞−∞, 0×0, ∞×∞, 1^∞, ∞×0, ∞^∞, और ∞×0, ये 7ों का 7ों फॉर्म जो हो गया वो मैथमेटिक्स में क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। दैट मीन्स वो 7 गो फॉर्म में यदि हम बीच का वैल्यू रख रहे हैं, -1 और 1 के बीच का वैल्यू रख रहे हैं, दैट मीन्स 0 रख रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ना कि वो 7 गो फॉर्म में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या आ जाएगा, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब तीसरा काम क्या करते हैं, fa = f(b), a कितना है, -1 है, और fx कितना है, x² है, तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, और f1 कितना है, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स x² ये कितना आ गया, 1 आ गया, दैट मीन्स f - 1 = f(1) आ गया, दैट मीन्स हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, रॉल्स थ्योरम प्रूव्ड हो गया, तो f'c = क्या होता है, 0। अब c, दैट मीन्स f'x कितना है,
टू एक्स एफ डैस सी बराबर क्या हो जाएगा, टू सी बराबर जीरो, तो सी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आंसर सही आया कि गलत आया वो भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है वैल्यू ऑफ सी मस्ट वैल्यू ऑफ वन वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी सेटिस्फाइड इन इंटरवल माइनस ए टू बी, सॉरी ए टू बी, दैट मीन्स ए कितना है माइनस वन और प्लस वन के बीच में है जीरो, तो दैट मीन्स हम जो बना रहे हैं वो सही बन रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता होगा बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस टू, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन, इन इंटरवल वन टू टू, ठीक है। अब क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो यू इन टू भी तो क्या हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स, तो एक्स माइनस टू, अब भी डी यू बाई डी एक्स, तो एक्स माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस वन, और एक्स का वन और वन का कितना हो जाएगा जीरो, प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू का कितना हो जाएगा वन और टू का जीरो। अब क्या कर लेते हैं एफ डैश एक्स एक्स माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा यहां पे टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन। अब क्या हो गया एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस फोर, नहीं तो एक का टू इंटू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर और माइनस वन माइनस फाइव, ठीक है। अब ये आ गया तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन इन ओपन इंटरवल वन टू टू, ठीक है ना। वन और टू के बीच का वैल्यू क्या है 1.5 है, तो कितना हो जाएगा 1.5 में से वन चला जाएगा 0.5 और 3 इंटू 1.5 4.5 और माइनस 0.5 सॉरी माइनस 5 कितना आ जाएगा माइनस 0.5 और इंटू प्लस 0.5 दैट मीन्स माइनस 0.02 माइनस 0.25, दैट मीन्स क्या आ गया वो सात गो फॉर्म में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा एफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 टू 2। अब क्या करना है, अब तीसरा काम क्या होता है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एफ वन लेते हैं, एफ वन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन का स्क्वायर इंटू वन माइनस टू, तो जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब क्या करना है एफ टू ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन का स्क्वायर और टू माइनस टू क्या आ गया जीरो आ गया, दैट मीन्स एफ वन बराबर एफ ऑफ टू, हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। अब क्या करना रहता है तीसरा काम क्या एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश सी दैट मीन्स एफ डैश एक्स कितना आ गया, तो एफ डैश सी दैट मीन्स कितना
सी माइनस वन जहाँ एफ डैस एक्स है ना, वहाँ क्या कर, हर एक क्वेश्चन में वहाँ क्या कर देना है, एफ डैस एक्स में ही एफ डैस सी का वैल्यू पुट करते हैं, फिर क्या आ जाएगा, थ्री सी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो आइदर सी बराबर वन और थ्री सी माइनस फाइव बराबर जीरो, तो सी बराबर कितना आ गया, फाइव बाई थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो हम जो बनाए हैं वो गलती है या सही है वो भी आ जाएगा, एक वैल्यू आना चाहिए वन और टू के बीच में, तो फाइव बाई थ्री कितना हो जाएगा, वन पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा ना कि सी बराबर वन होगा, सी का वैल्यू कभी वन और टू के बीच का वैल्यू होना चाहिए ना कि वन और टू तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू वन, थ्योरी में लिखा दिए स्पष्ट, लाइज इन बिटवीन ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच का वैल्यू लेना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू डी पावर एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई है, अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इन ओपे इन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। अब ध्यान क्या देना है, समझना क्या है, साइन एक्स क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ई टू दी पावर एक्स क्या हो गया, एक्सपोनशियल फंक्शन हो गया। तो आई लेट दैट मीन्स आई एल ए टी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है, एक्सपोनशियल फंक्शन क्या होता है, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और दोगो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवाइड क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, और ई टू डी पावर एक्स क्या है, एक्सपोनशियल फंक्शन हो गया, तो आई एल ए टी, आई लेट में ट्रिगोनोमेट्रिक भी आ जाता है और एक्सपोनशियल भी आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, और दो गो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और डिवीजन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब क्या हम देखना चाह रहे हैं, यू बाई भी देख लेते हैं, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, u बाई भी, तो e टू दी पावर x साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos x, फिर क्या साइन x इंटू क्या, e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x अपॉन में क्या, e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, e टू दी पावर x कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, cos x माइनस साइन x अपॉन ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक से एक कट गया, क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स। अब क्या करते हैं, तीसरा काम क्या, दैट मीन्स जीरो से पाई के बीच में रखते हैं, तो दैट मीन्स पाई बाई टू रखते हैं, तो कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या, माइनस वन, क्योंकि माइनस के साथ मल्टी साइन पाई बाई टू का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, माइनस इंटू वन क्या, माइनस वन हो जाएगा, ई के पावर पाई बाई टू, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आ रहा है वैल्यू, वो सात गो फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स हेंस एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। अब तीसरा काम क्या रहता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ
बी एफ जीरो, एफ जीरो कितना हो गया साइन जीरो अपॉन में कितना ई टू डी पावर जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो और ई के पावर जीरो कितना होता है वन, दैट मीन्स जीरो। अब क्या करना है एफ पाई ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा बुआ साइन पाई अपॉन कितना e टू डी पावर पाई, जीरो अपॉन e टू डी पावर पाई क्या आ जाएगा जीरो, दैट मीन्स क्या आ गया एफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई। हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। यदि प्रूव्ड हो गया तो अब क्या करना रहता है एफ डैश सी निकालना रहता है, एफ डैश सी बराबर जीरो क्या आ जाएगा, ये क्या है एफ डैश एक्स है। अब क्या करना है एफ डैश सी वैल्यू यही पुट करना रहता है ना एफ डैश एक्स में, तो क्या हो जाएगा एफ डैश सी बराबर कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन में क्या e टू डी पावर c इक्वल टू जीरो, तो कॉस सी माइनस साइन सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो जीरो इंटू ई टू डी पावर c क्या जीरो हो जाएगा ना, तो अब क्या हो गया कॉस सी बराबर साइन सी, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाय फोर। अब क्या देखना है मेरा जो आंसर आया वो सही हो गया, क्योंकि सही क्यों हो गया कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा पाई बाय फोर, टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं, अब जीरो से पाई के बीच में आ गया तो दैट मीन्स ये सही वैल्यू, जीरो से पाई के बीच में कोई सा भी वैल्यू आ जाना चाहे तो एगो वैल्यू आ गया पाई बाई फोर, तो हम जो बना रहे हैं वो क्या है सही है। कोई दिक्कत होता होगा तो पूछिएगा जरूर। आगे देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू डी पावर एम और एक्स माइनस बी टू डी पावर एन हुएर एम एंड एन आर पॉजिटिव कंस्टेंट इन इंटरवल ए टू बी दे रखा है, ए टू बी दे रखा है ठीक है ना, क्या बोल रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम ठीक है ना, देख लेते हैं। तो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों हो गया क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, दो गो पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब दूसरा काम क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एक्स माइनस बी टू डी पावर एम और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एम एक्स माइनस ए एम माइनस वन प्लस एक्स माइनस ए टू डी पावर एम इंटू एन एक्स माइनस बी एन माइनस वन ठीक है। अब क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, इन ओपन इंटरवल ए टू बी ठीक है ना,
क्योंकि ए और बीच का ए बाई टू दे दो या बी बाई टू दे दो, ये वो सात गो फॉर्म में नहीं जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। बाय द वे आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो कंटिन्यूस होबे करेगा, डिफरेंसिएबल होना ही होना होगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो f ऑफ a ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस a, तो दैट मीन्स a माइनस a टू दी पावर m और a माइनस b टू दी पावर n, जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो ना a में से a गया, जीरो जीरो के पावर कुछ भी, जीरो ही इंटू ये टर्म, तो क्या आ जाएगा जीरो। यदि f ऑफ b देते हैं तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए टू दी पावर m और क्या b माइनस बी टू दी पावर n, ये भी क्या आ गया जीरो। दैट मीन्स f ऑफ a बराबर f ऑफ b, हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूफ्ड। अब क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। अब क्या करना रहता है, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश सी दैट मीन्स सी माइनस बी टू दी पावर एन इंटू एम सी माइनस ए टू दी पावर एम माइनस वन प्लस सी माइनस ए टू दी पावर एम इंटू एन सी माइनस बी टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या कर लेते हैं, सी माइनस ए टू दी पावर एम माइनस वन और c माइनस बी टू दी पावर n माइनस वन यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म तो बाहर कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया m और यहाँ क्या n माइनस वन बाहर कर दिया, तो क्या हो गया n माइनस वन इन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये बाहर किए तो यहाँ क्या बच जाएगा c माइनस बी, एगो बाहर कर दिया तो n माइनस वन, इतना और इतना बेस सेम है तो यहाँ कितना पावर है वन है, तो एन माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कैंसल आउट हो गया तो क्या आ गया एन आ गया, तो दैट मीन्स जो कॉमन लिया है वो सही है। प्लस यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ हम क्या ले लिया सी माइनस बी टू डी पावर एन माइनस वन हम ले लिए, तो ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा सी माइनस ए इंटू एन बराबर जीरो। अब दैट मीन्स ये टर्म कहाँ चला जाएगा, जीरो अपॉन कुछ भी क्या होता है जीरो होता है, तो क्या बच गया एम सी माइनस एम बी प्लस एन सी माइनस एन ए बराबर जीरो। अब क्या हो गया, ये टर्म और ये टर्म एक तरफ रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, c कॉमन ले लिए थे m प्लस n और इन दोनों भाई साहब को उधर भेज दिए थे एम बी प्लस एन ए, तो c बराबर क्या आ गया m एम बी प्लस एन ए अपॉन m प्लस एन, ये क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ नहीं है, वैसे ही बनाना है जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत होता होगा तो पूछिएगा।
नाइन नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन टू टू द पावर फाइव, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, एक्चुअली जो बच्चा क्वेश्चन हमको सुधांशु भेजा है उसमें यहाँ देखना है जो x माइनस वन के पावर क्या है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग खुद ही बना लेना बुक से देख के, इसमें जो और जो भी क्वेश्चन है हम बता देते हैं, ठीक है ना। हमको इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट लग रहा है, हो सकता है मे भी फोटो जो भेजा है उसमें क्लियर नहीं है पावर, ठीक है ना। तो आप लोग बनाइएगा बैठ में, जो किताब में होगा उसी अनुसार से बनाना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। इसी का दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू डी पावर टू बाई थ्री माइनस वन टू वन। तीसरा नंबर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू डी पावर वन बाई थ्री माइनस वन टू वन। चौथा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस टू इन इंटरवल वन टू टू है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा से हम बता देते हैं। ये भी बोला था डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये बोल रहा है रॉल्स थ्योरम प्रूफ है कि नहीं चेक करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री, एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्या है, यहां पर कितना है पावर, कितना है एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री, एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री का पावर कितना है टू बाई थ्री है। दैट मीन्स ये क्या हो गया पावर, ये पॉलीनोमियल नहीं है, ये क्या है पॉलीनोमियल नहीं है, ये पॉलीनोमियल नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं। ये क्या नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, सॉरी ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि पावर क्या है इसका, पावर क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, डेट मीन्स रेशनल नंबर है, और किसी का पावर यदि रेशनल नंबर रहता है तो पॉलीनोमियल नहीं होता है। ये सॉरी सारे क्वेश्चन क्या हो गया नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं, ये प्रूफ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है ना। ये सारे क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हो ना पावर कितना है पॉलीनोमियल, या बिहार बोर्ड से जो बच्चा पढ़े होंगे बहुपद जानते हैं, ठीक है ना। उसका पावर क्या होता है, पावर स्क्वायर में रहना चाहिए, पॉलीनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है, एक तो पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, दूसरा पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये सारे ये भी क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो रॉल्स थ्योरम प्रूफ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक लाइन का आंसर था नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, बनाना ही नहीं है, जैसे ही पावर क्या है पॉलीनोमियल है ही नहीं, ठीक है ना। तो ना अलजेब्रिक फंक्शन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं, टेन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। पूछ रहा है आर द कंडीशन, आर द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड द फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स
इनक्लोज इंटरवल ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जितना होता है वो सारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि आई लेट में आई एल ए टी में एल में लॉग भी आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं। लॉग ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, बी क्या है, ए प्लस बी एक्स। अब क्या कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, वो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाय एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना, टू एक्स, ए बी कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, वन बाय ए प्लस बी, एक्स कितना, फिर कितना, ये हो गया लॉग ए प्लस बी, ए बी होगा ना, डी लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाय एक्स, एक्स के बदला क्या है, ए प्लस बी इंटू एक्स। अब क्या कर लेते हैं, फिर ए प्लस बी इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये कैंसल हो गया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वन बाय एक्स। अब कोई सा भी वैल्यू जीरो, ए और बी का बीच का वैल्यू रख रहे हैं तो सात को फॉर्म में नहीं जाएगा, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। ये कौन सा इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए टू बी में ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, यदि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो एफ ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ अब देखते हैं, एफ ऑफ ए ले रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस कितना, ए बी अपॉन में कितना, ए प्लस बी इंटू कितना, एक्स के बदला में क्या लिख दे, ए लिख दे, सॉरी यहाँ क्या है, लॉग है ना, फिर क्या, यदि लॉग ए कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू इंटू ए, तो कैंसल हो गया तो कितना आ गया, वन, दैट मीन्स लॉग वन बराबर कितना होता है, जीरो। अब क्या कर लेना है, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी ले लेते हैं बुआ तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बी यदि ले लिए तो लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी, दैट मीन्स लॉग बी कॉमन ले लिए तो बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू बी, ये कैंसल हो गया, कितना आ गया, लॉग वन, लॉग वन का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, दैट मीन्स एफ ऑफ ए बराबर हेंस रॉल्स थ्योरम हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना, तो सी का वैल्यू कहां निकालते, यहीं पे ना, एफ डैश सी इक्वल टू क्या, जीरो, टू सी अपॉन कितना, सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वन बाई सी इक्वल टू जीरो,
ठीक है ना, सॉरी ये बोला है, बोला ही नहीं था। दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था, हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन से कल देखेंगे, ठीक है ना। अब जो भी क्वेश्चन है, वो किसका है, एलएमवीटी का है। किसका है, एलएमवीटी का है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी क्या करना रहता है, दो ही काम, जनरली तीन काम करना रहता है। पहला देखना रहता है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। दूसरा काम क्या देखना रहता है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यदि ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा तो तीसरा काम क्या रहता है, एफ डैश सी निकालते। तो एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, उससे हम सी का वैल्यू निकाल लेते हैं और एफ डैश सी का जो वैल्यू आता है मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है ना। कल मिलेंगे, कल यहाँ से बताएंगे, ठीक है, धन्यवाद।